और गाइस इस बिल्डिंग के ऊपर से पूरा दिख जाता है ये मंदिर, ठीक है ना गाइस। वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज का प्लान है तो कहीं पर जाने का, तो उससे पहले थोड़ा इसको ठीक करा लेते हैं नियॉन को। पहले इसको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, इसको रेडी कराते हैं और फिर निकलते हैं, मस्त से प्लेस पे जा रहे हैं। सो वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है गाइस। ओके अभी आ गए हम रास्ते पे, और मेरे साथ मेरे गांव के भाई लोग आएंगे बोला था, अभी तक तो वो लोग आए नहीं, तो देखते हैं कौन कौन आते हैं। और मैं आप लोगों को अपना गांव का भी टूर देना चाहता हूँ, मतलब गांव का भी एक ब्लॉग बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। सो वो आएगा कुछ दिनों में ही। ओके कैमरा अपना लोग आए वो यूट्यूबर साइकिल मैकेनिक आए वो कति टाइम लगते हैं। हमारा नियॉन भी ठीक हो चुका है और भाई लोग भी आ गए, अभी हम जाएंगे और मिलते हैं रास्ते में गाइस। और गाइस मैं कहीं भी जाऊँ ना अकेला मेरे को मन नहीं लगता है, अगर ये भाई लोग ना थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है मेरे को, ये लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ये लोग ही नहीं काफ़ी सारे लोग सपोर्ट करते हैं वीडियो को, काफ़ी सारे लोगों ने शेयर किया है, उन लोगों को तहे दिल से थैंक यू सो मच गाइस। सभी भाई लोग आगे जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं गुप्तेश्वर मंदिर, यानी कि हमारे लैंग्वेज पे उसको सिंगरी बोला जाता है। ऐसा नहीं कि आज ही जा रहा हूँ, पहले भी गया था, हम लोग पहले बाइक से गए थे लेकिन थोड़ा अंधेरा था, मतलब वेदर के वजह से, और थोड़ा अंधेरा भी हो गया, शाम हो गया था, तो उस पर अच्छी तरह से विजिबल नहीं हुआ वो प्लेस, इसीलिए आज दोबारा जाके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, ठीक है ना। तो आपको हम दिखाने जा रहे हैं आज सिंगरी। अभी हम यहाँ पहुँचे, ये बेलसरी नदी है, यहाँ पर थोड़ा फोटो वगैरह लेते फिर चलते आगे। और गाइस हमारा यहाँ रास्ता ब्लॉक हो चुका है, डंपर ने हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया है गाइस। हाँ ठीक है ठीक है, आराम से आराम से, रास्ता सारे बना रहा है तो थोड़ा उपड़ खपड़ देखने को मिलेगा। और बाकी आपको यहाँ पर हरियाली हरियाली, बाकी सभी मतलब हरियाली बोले तो चाय का बगान देखने को मिलेगा, क्योंकि आसाम तो एक तरफ से मतलब चाय की बगान से ही पॉपुलर है, वर्ल्ड पे जाना जाता है कि आसाम टी स्टेट की वजह से, टी गार्डन की वजह से बहुत पॉपुलर है। और गाइस नियॉन के साथ पहली बार लॉन्ग राइड पे आया हूँ, वो भी ऐसे हरियाली चाय के बगान के बीच में, यार इसका मज़ा ही बहुत बहुत अलग सा फील आ रहा है। हमारी पहली राइड पे पोपट हो चुका है गाइस, एक साइकिल का पिछवाड़ा ख़राब हो चुका है, और हमारा भाई एक हाथ से खींच रहा है उसको और एक हाथ से चला रहा है। मैकेनिक तो नहीं मिला यहाँ पर, एक घर पे देखा है यहाँ पर बनाते हैं, चलो बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं देखते हैं पहले। इतने दादा अपन नहले में हम इमान दूर जाबो लगा ले भाई, हम फले सिंगरी घूरी पाई से दे दादा जाओ ना तेने वाले भाई। सो गाइस हमारा साइकिल पोपट होते होते बच गया यार, नहीं तो काफ़ी दूर जाना पड़ना था, अच्छा हुआ कि अंकल जी मिल गए। फाइनली आ चुके हैं एक नए एक पहले वाले प्लेस पे, इस प्लेस पे थोड़ा सा विजिट करेंगे और आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, अंदर जाएंगे उसके बाद यहाँ से फिर चलते हैं दोबारा वहाँ पर गुप्तेश्वर मंदिर जाएंगे, ठीक है गाइस। तो पहले यहाँ पर देखते हैं वो बोरिया गेट। हाय की खबर, भाल ना? हाँ कौन है गाँव टू कौन की नहीं ये फले। ओके ये लोकेशन ऐसे माना जाता है कि मतलब पहले शिव जी और विश्वकर्मा जी मतलब ओलो के दोनों के बीच में कुछ फाइट वगैरह हो गया था, इसीलिए मतलब पूरा टूट के ये पत्थर ही पत्थर बिखर रहा है। तो आपको थोड़ा हम पत्थर वगैरह कहाँ कहाँ पर है दिखाएंगे, चारों ओर देख सकते हैं गाइस पूरा पत्थर ही पत्थर बिखरा हुआ है। तो पहले गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पर मंदिर दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए गाइस पूरा मतलब ये देखिए पूरा पत्थर पूरा बिखर गया है, यहाँ से हुआ यहाँ से हुआ, काफ़ी बड़ा मंदिर था ये विश्वकर्मा जी का। तो गाइस यहाँ पर है विश्वकर्मा जी का मंदिर, तो यही है गाइस विश्वकर्मा जी का मंदिर कुछ ऐसा था, ये पत्थर सभी ये मंदिर का था, मतलब काफ़ी डिजाइन से बनाया था इसको, बहुत पहले बहुत साल पहले ही बनाया था। सो अभी यहाँ पर कुछ रीजंस के वजह से ये टूट के बिखर गया। सो ऐसे जगह पे आने से ना मतलब यहाँ से दिल से सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। ओ भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, वीडियो में कैसा आ रहा है पता नहीं, लेकिन आप रियलिटी में अगर इस जगह को मतलब ऐसे जगह विजिट करोगे ना सच्ची में दिल को सुकून मिलेगा गाइस कसम से।
वाह देखिए मतलब ये सब देखोगे ना पुरानी यादें ताजा हो जाता है गाइस। ये काफी अच्छा डिजाइन यहाँ पर भी है सर। ये मूर्ति यहाँ पर पत्थर काट के मूर्ति बनाया था दोनों साइड से, मुझे लगता है ये पिलर वगैरह था होगा ये तो। पहले दिन का बात है गाइस, मेरे को तो इतनी अच्छी तरह से भी पता नहीं, जितना सुना है उतना ही मैं बता पाऊंगा ठीक है ना। और इस जगह को मतलब काफ़ी अच्छी तरह की सेफ्टी तरह से रखा है यहाँ की कम्युनिटी ने, चारों ओर बाउंड्री लगा दिया है, मतलब बहुत बढ़िया है यार, अच्छा मेंटेन करके रखा है, अच्छा लगा यार। सो अभी हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि हमें फिर से और दूसरे दोबारा नेक्स्ट प्लेस को विजिट करना है, तो वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मज़ा आ रहा तो वीडियो ज़रूर देखना गाइस। ओके ये देखिए इसको क्या बोलते हैं गाइस आप लोग, मतलब ये एक तरफ से वच्चू है ना ये मूर्ति, तो किस चीज़ का मूर्ति था ये तो हमको भी पता नहीं, मतलब जैसे कि बड़े बड़े पहले की मतलब राजा महाराजा के दिन पे मतलब उनके दीवारों पे मतलब बड़े बड़े मूर्ति बनाए जाते थे ना द्वार पे सब इसी तरीके से मतलब बनाया जाता था। तो गाइस यहाँ पर तो हमने थोड़ा बहुत विजिट कर लिया है, अब जाएंगे दूसरे प्लेस पे तो वहाँ पर भी दिखाएंगे आप लोगों को क्या अच्छा दिखा सकता हूँ, दिखाने की फुल कोशिश करेंगे। वीडियो तो थोड़ी लंबी होगी, मैं बार बार से बोल रहा हूँ ये बात, तो देखना ज़रूर ठीक है गाइस, तो मज़ा बहुत आने वाला है आपको, तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस फाइनली हम अभी गुप्तेश्वर मंदिर जाने वाले हैं, यानी कि सिंगरी मंदिर पे जाने वाले हैं। सो ये गेट है, यहाँ से विजिट करेंगे, और ये मेरे पीछे देख सकते हो ये यहाँ का चौक है सिंगरी का, इस टाइप भी है, और इस साइड से आए थे हम, तो अभी हमें यहाँ पर जाना है। और गाइस फाइनली हम वो लोकेशन पे आ चुके हैं, और ये देख सकते हो मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, यहाँ पर जब मेला लगता है ना उस टाइम पे आए थे हम लोग, तो इसी पहाड़ी पे चढ़ के मतलब बहुत मस्ती करते, तो अंदर जाएंगे आपको दिखाने की प्रॉपर दिखाने की कोशिश करते मंदिर कैसा है ठीक है गाइस। तो आप लोग जब आओगे ना मतलब यहीं से आप लोग धूप वगैरह मतलब जो भी यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए चाहिए ले सकते हो, यहीं से काफ़ी सारा बाजार है ले सकते हो, काफ़ी सारा दुकान है। ये हमारा श्री श्री गुप्तेश्वर मंदिर का गेट। ओ भाई हे भगवान जल्दी जल्दी से मेरा 1,00,000 सब्सक्राइबर बना दो गाइस। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पूजा कर रहे हैं लोग, मन्नत मांग रहे हैं भगवान से, मन्नत मांग रहे पैसे के लिए। गाइस मैं बता दूँ ये श्री श्री गुप्तेश्वर मंदिर शिव जी का मंदिर है, बहुत पॉपुलर है ये, मतलब हमारे भारत में तो काफ़ी लोग जानते हैं कि इस लोकेशन, जब यहाँ पर शिवरात्रि होते हैं ना उस टाइम पे यहाँ पर सभी लोग आके एक एक त्रिशूल चढ़ाते हैं यहाँ पर, तो कितना ज़्यादा त्रिशूल बना हुआ है, ढेर लगा हुआ है त्रिशूल का, तो सभी लोग आते हैं गाइस यहाँ पर मंदिर पे अपना मन्नत मांगते हैं, कोई एग्जाम के लिए आते हैं, कोई शनि दशा काटने के लिए आता है। और ये भी मंदिर, ये भी देख सकते हो गाइस, बेसिकली ये अंदर है तो ज़मीन का अंदर है मंदिर, ये देख सकते हो गाइस महादेव का मूर्ति। ये महादेव मेरा 1,00,000 सब्सक्राइबर बना दो जल्दी से। यहाँ देख सकते हो त्रिशूल वगैरह, कितना सारा त्रिशूल देख सकते हो यहाँ पे। ये मंदिर के नीचे पानी है गाइस, पानी है ठीक है ना, तो ये पानी डायरेक्ट यहाँ पर हमारा जो ब्रह्मपुत्र है उससे पूरा कनेक्शन है। सो यहाँ से कुछ है अंदर, मतलब काफ़ी पुराना है ये, एक हिस्ट्री क्रिएट करके रखा है इस मंदिर ने ठीक है ना। ये हमारा बेसिकली सनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है, सनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर। और अब हम चलते हैं आपको हमारा वन, सभी का एक एक धर्म रहता है ना गाइस, हमारा बाथो धर्म, तो हम बाथो धर्म यहाँ पर पालन करते हैं, यहाँ हमारा खुद का मंदिर है, सो आपको हम दिखाएंगे। लोग बोडो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ना, यहाँ का जो लोकल है हम लोग, सो हमारा खुद का एक धर्म होता है जो कि हम लोग बाथो बोलते हैं। सो हमारा इस गुप्तेश्वर मंदिर में भी अपना मंदिर है, अपना स्थान है, जहाँ पर हम लोग मतलब साल पे एक बार हमारा जो समाज है बोडो समाज वो आके मतलब यहाँ पर अपने देवता गुरु को मतलब प्रार्थना करते हैं बाथो को। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा बाथो मंदिर है, यहाँ पर बाथो स्थान है ये। सो यहाँ पर हम लोग भी जब यहाँ पर मेला होता है शिवरात्रि होता है उस टाइम पे आके हम लोग
यहाँ पर हम लोग अपना मतलब धर्म को पालन करते हैं इसी प्लेस पे, ठीक है ना गाइस। सो यहाँ पर लिखा हुआ है जय आफा बराई बाठोनी। जिन लोगों ने मतलब इस स्थान को बनाने में मदद किया, डोनेट किया है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का नाम पढ़ सकते हैं पहुँच करके। सो उन लोगों को भी तहे दिल से थैंक यू सो मच अपना जाति धर्म को बचाए रखने के लिए। और यहाँ पर ये हमारा दान बॉक्स है हमारे कम्युनिटी का गाइस। सो किसी ने इसका ताला भी तोड़ दिया है। सो प्लीज़ कृपया करके 1-2 रुपये के लिए ऐसा ना करें गाइस। प्लीज़ आप हो सके तो यहाँ पर दान करके जाइए 1-2 रुपया, लेकिन ऐसा तोड़ फोड़ कृपया ना करें प्लीज़। आ चुके इस एक प्यारा से बिल्डिंग के ऊपर जहाँ से बहुत कुछ सीन नज़ारा देख सकते हो। शिवरात्रि के टाइम पर मेला लगता है, इसी मैदान पर लगता है, इसी प्लेग्राउंड पर बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर इंजॉय करते हैं। और गाइस यहाँ से डायरेक्ट आप वो ब्रह्मपुत्र को देख सकते हो, काफ़ी नज़दीक है यहाँ से। और गाइस इस बिल्डिंग के ऊपर से पूरा दिख जाता है ये मंदिर, ठीक है ना गाइस। वहाँ पे है मंदिर और हमारे वहाँ पर बाथों का स्थान है। और ये अभी हम वहाँ पर जाएंगे ऊपर पे, थोड़ा वहाँ पर चिल करेंगे। ओह हमारा भाई थक चुका है, यहाँ पर रेस्ट करना चाहता है। सो चलो चलो चलो, जब यहाँ पर मेला लगता है ना गाइस, तो इतना सारे यहाँ पर लड़के लड़की लोग आते हैं, यहाँ पर बच्चे लोग। अच्छा गाइस तुम लोगों के बिना तो मैं अधूरा हूँ, और आराम से चढ़ना। एक भाई तो ओए मजा का फाइनल लिया वो नहीं आएगा वो। अरे सांस बढ़ने लगा है यार, मस्त मस्त। गाइस फाइनली ओ माय गॉड हम आ चुके हैं ऊपर। ओ भाई हम आ चुके बिल्कुल टॉप पे गाइस। सो इस साइड पे हमारा गांव है और यहाँ पर है गुप्तेश्वर मंदिर। काफ़ी अच्छा लगा यार, काफ़ी सुकून लगा यार। ओ वीडियो कैसा बना पता नहीं, लेकिन गाइस हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। ट्रैकिंग भी किया हमने, अच्छा लगा। और एक प्लेस पे जाने वाले हैं, सो वहाँ पर देखते हैं मतलब कछुआ देखेंगे वहाँ पर। कछुआ देखने के बाद हम वहीं पर वीडियो इन करेंगे, ठीक है गाइस। सो गाइस यहाँ पर खाते, थोड़ा भूख लगा है तो खा के यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस हम खा पी के यहाँ पर आ चुके हैं, अब यहाँ पर हम कछुआ देखते हैं। तो कछुआ के लिए थोड़ा बिस्कुट लाने गया है, तो यहाँ पर आएगा वो कछुआ, बुलाएंगे उसको, आप लोगों को दिखाएंगे। क्या क्या नाम है बोलो, कछुआ का नाम बताओ थोड़ा। हेमंतो नाम भूल गया, नाम भी लग जाने नहीं क्या अपना लोग यहाँ तो ना जाने ना, नाम भी लग पहाड़ी गुल्लू न हो। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर कछुआ है, आ गया देखो सामने, काफ़ी प्यारा लगता है देखो। आ आ ले बिने हो लाए हाथी हो लाए बेहू देख सकते हो गाइस, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखिए कितना बड़ा है। देख सकते हो गाइस बिस्किट खा रहा है, कितने सामने आ रहा है। सर इन लोगों को देखने के लिए गाइस काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे। आशीर्वाद देके जाना हाँ, ठीक है। हमारे को जल्दी जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर बना दो, हम फिर दोबारा आएंगे आपको ढेर सारा बिस्कुट लेके आएंगे आपके लिए। बड़ा देख सकते हो गाइस, बड़ा देख सकते हो गाइस, वो आ रहा है काफी बड़ा, काफी बड़ा है। आजा आजा मैं भी टच करूँ तेरे को एक बार, आजा आजा। छूने को भी मिला यार, यहाँ पर कछुआ भी छू सकता है आप, कितना बड़ा है देखो। ओ भाई काफी बड़ा है, सभी को दे दो यार, बराबर दे दो, बराबर करके दे दो। हो गया आप लोगों के लिए, बस इतना ही था, अभी हम लोग इधर देंगे, ठीक है ना। ये कछुआ भैया लोग खाएंगे लोग। कितना बड़ा है यार गाइस,
चलो काफी खुशी लगा गाइस यहाँ पर आके यार, ऐसे जगह विजिट करना चाहिए, आप लोग भी विजिट करो यार, दिल को सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर दो, शेयर कर दो। ओके गाइस, बाय बाय। ओके।